एक विचारधारा का मसला है, ये एक नूपुर शर्मा का और मैं किसी राजा का मसला नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का मसला। जो भगवान श्री राम का नाम लेके किसी का कत्ल करते हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं, और मुझे लगता है ना कोई मुसलमान ये चाहता है कि हिंदुओं का अपमान हो। अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उसका हिस्सा। हम किसी दूसरे इंसान से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी आस्था का सम्मान करे, तो फिर हमें उनके अकीदे का एहतराम करना चाहिए। हमने हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान किया है, एक दूसरे के अकीदे का एहतराम किया, एक दूसरे की आस्था का सम्मान किया। उस देश में जहाँ हिंदू अलम उठाते हों, उस देश में जहाँ हज़रत इमाम हुसैन के लिए हिंदू महिलाएं रोती हों, और जो अल्लाहु अकबर का नाम लेकर के या पैगंबर की बात करके किसी दूसरे मज़हब का गला काटते हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार हूँ। कि हिंदू कभी ये नहीं चाहता है कि वो मुसलमानों की तौहीन हो। इस वक्त मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। प्रमोद कृष्णन जी, सबसे पहले आपसे दो तीन बातें हैं जो जाननी हैं मुझे। इस वक्त एक ताज़ा मुद्दा जो कल रात से शुरू हुआ है, पहले तो नूपुर शर्मा का मामला सामने आया था और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के एक बीजेपी एमएलए ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हालांकि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग क्या इसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ये कोई एक नया तरीका निकला है कि मुकद्दसात की तौहीन की जाए और उसके बाद भावनाएँ आहत हों। देखिए, इस तरह की किसी भी बात को, इस तरह की किसी भी बयानात को मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और हर उस इंसान को करनी चाहिए जो आस्थावान है, जो श्रद्धावान है, जो अकीदे वाले लोग हैं, जो अपने अपने धर्म में आस्था रखते हैं, उन सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल श्रद्धा, विश्वास और आस्था का है। मेरा बहुत अच्छा, तुम्हारा बहुत ख़राब, तुम्हारा बहुत अच्छा, मेरा बहुत, ये सब इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ईश्वर की आराधना आप कैसे भी करो, परमात्मा की पूजा कैसे भी करो, बिल्कुल सुपर वाले की इबादत कैसे भी करो, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, आपके अल्फाज अलग हो सकते हैं, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है। तो अगर हम किसी दूसरे इंसान से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी आस्था का सम्मान करे, तो फिर हमें उनके अकीदे का एहतराम करना चाहिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि हम आपके और आप हमारे, बिल्कुल दोनों के यकीन का, दोनों की श्रद्धा का सम्मान करें, जो इस देश में हमारी रवायत भी है, हमारा कल्चर भी है। हमने हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान किया है, एक दूसरे के अकीदे का एहतराम किया, एक दूसरे की आस्था का सम्मान किया है। लेकिन कुछ क्या हो गया, कुछ दिनों से ये ऐसा मुझे लगता है कि जो सियासी पार्टियां हैं ये इस देश का बेड़ा गर्क करने को तुल गई हैं, इस देश को ये बर्बाद करना चाहते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए ये सोचते हैं कि हमारा फ़ायदा हो जाए, हम हुकूमत में रहें, देश रहे ना रहें। जबकि इन बेवकूफ़ों को कोई ये समझाए कि देश है, मुल्क है, तभी सियासत है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि अगर नूपुर शर्मा वाले वक्त पर नूपुर शर्मा पर रोक लग जाती और नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हो जाती, जैसा कि आप जैसे तमाम लोग और उसके अलावा सेकुलर जहन रखने वाले लोग, मुसलमान तबका लगातार कहता रहा कि भाई नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज तक वो आज़ाद हैं। तो अब क्या ये अनुमान लगाया जाए इस बात से कि नूपुर शर्मा के ऊपर सज़ा न होना
कार्रवाई न होना, ये यहाँ तक ले आया कि आज इतना बड़ा और भद्दा बयान दे डाला बीजेपी नेता ने? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये एक विचारधारा का मसला है, ये एक नूपुर शर्मा का और मैं किसी राजा का मसला नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का मसला है। ये कौन सी आइडियोलॉजी? ये एक आइडियोलॉजी है जो ये चाहती है कि धर्म के नाम पर डिवीजन हो जाए। तो जब धर्म के नाम पे डिवीजन हो जाएगा तो आप अपने आप अक्सरियत के नेता बन जाएंगे। तो सवाल है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर अक्सरियत के लोग अकलियत के लोगों की तोहीन करने को अपना धर्म मानते तो फिर हिंदुस्तान में तो ये इस तरह की पार्टियां 50 साल 60 साल पहले से ही हुकूमत में आ गई होती। तो साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू कभी ये नहीं चाहता है कि वो मुसलमानों की तोहीन हो, और मुझे लगता है ना कोई मुसलमान ये चाहता है कि हिंदुओं का अपमान हो, क्योंकि दोनों ही धर्म और दोनों ही धर्मों के धर्मगुरु ज़्यादातर इस ख्याल के हैं कि भाई हमारा जो विश्वास है वो हमें अच्छा लगता है, आपका विश्वास आपको अच्छा लगता है। इसी के लिए शायद हमारे यहाँ भी शास्त्रों में कहा गया है कि अयम निजे परवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनानंतु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, परमात्मा एक है, हम सब उसके हैं, वो हमारा है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया कुटुंब है, एक परिवार है। और इसीलिए शायद इस्लाम के हवाले से भी देखें तो उसमें भी ये कहा गया है कि अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उसका हिस्सा है, और अगर पूरी दुनिया एक परिवार है तो फिर बाकी लोग भी उस परिवार के हिस्सा हैं। मगर ये कुछ लोग हैं जो अपने मफाद के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए ये निरंतर मसलसल कोशिश करते रहते हैं, मुस्तकिल कोशिश करते रहते हैं कि डिवीजन हो। आज जो हम देख रहे हैं वो ऐसा माहौल हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह के लोगों की तादाद बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ मोहम्मद रफ़ी गाने गाते हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजपाला, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, है ना, जहाँ रघुवीर सहाय या उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शहनाई बजाते हों, जहाँ रस खान ने कृष्ण के गीत लिखे हों, है ना, और जहाँ तमाम मिसालें हैं, ऐसी बहुत मिसालें हैं। तो उस देश में जहाँ ये विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हुआ हो, उस देश में जहाँ हिंदू अलम उठाते हों, उस देश में जहाँ हज़रत इमाम हुसैन के लिए हिंदू महिलाएं रोती हों, तो उस देश में ये नफ़रत की सियासत अच्छी नहीं है। मुझे लगा ये चलेगी भी नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि नफ़रत का दौर ज़्यादा टिक नहीं सकता। जी, एक आखिरी सवाल आचार्य जी आपसे लेना चाहूँगा राजस्थान को लेकर, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं इसलिए सवाल आपसे बनता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि हमने 5 मारे हैं और उन्होंने तो हमारा एक ही मारा है। उन लोगों के ऊपर क्या हो रहा है और राजस्थान के हालात लगातार क्यों बिगड़ रहे हैं? गहलोत सरकार आखिर कर क्या रही है? देखो, जो भगवान श्री राम का नाम लेके किसी का कत्ल करते हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं। और जो अल्लाह अकबर का नाम लेकर के या पैगंबर की बात करके किसी दूसरे मजहब का गला काटते हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान होने के लिए एक शर्त है कि एक अच्छा इंसान बनो। जो अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। और यही पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नसीहतें हैं, हदीसें भरी पड़ी हैं, और यही मेरे ख्याल से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संदेश है। चलिए, शुक्रिया आचार्य जी बातचीत करने के लिए INN चैनल से। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मौजूद थे, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर कोई अल्लाह अकबर कहकर किसी का गला काटता है तो वो मुसलमान नहीं है, और कोई जय श्री राम कहकर किसी को मार देता है तो वो हिंदू नहीं है।